The response has been fantastic. मैं बहुत ही relieved हूँ क्योंकि ये demonetization का जो अभी चल रहा है अभी भी काफ़ी problems है, फिर भी I think the collections are looking fantastic. अभी रात के shows भी बाकी है. मैं तो सिर्फ इंडिया को थैंक यू कहना चाहता हूँ और दुबई स्पेसिफिकली ऑल्सो, क्योंकि दुबई के नंबर्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग हैं. तो अच्छा लगता है यू नो व्हेन योर फिल्म इज़ रिसीव वेल. और अभिनय को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ क्योंकि फिल्म को जिस तरीके से रिसीव किया गया है, आई बिलीव अभिनय इस फिल्म के हीरो है एंड ही इज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब. बहुत अच्छे. अभी सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जर्नलिस्ट मेरा नाम जानने लगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई मीन आप लोग यहाँ पर हैं तो आई मीन आई डोंट थिंक एनी ऑफ दिस वुड बी पॉसिबल. तो अपॉर्चुनिटी मिला है तो आई रियली लाइक टू थैंक ऑन रिकॉर्ड विपुल झा एंड जॉन फॉर पिकिंग मी फॉर दिस पार्ट. और अभिनय डायरेक्शन लाइक जॉन सेड दैट इज द रियल विनर. जी हाँ, काफ़ी अप्रिशिएट हुआ है. बॉक्स ऑफिस कुछ कहता है, क्रिटिक्स कुछ कहते हैं, पर मैं जाता हूँ ऑडियंस के रिएक्शन पे. और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब ऑडियंस का रिएक्शन आया है तो पूरी फिल्म जो है अप्रिशिएट हुई है. एक्शन बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ है और साथ में लोगों को विलन का भी काम पसंद आ रहा है. तो इट्स जस्ट अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन ऑन दिस प्रोजेक्ट. फिलहाल तो मैं इस मोमेंट को एंजॉय करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आगे जैसे ही कुछ तय होता है तो मैं सबसे पहले आपको बोलूँगा. मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल जॉन बहुत ज़्यादा मतलब भावुक हो गए मेरे ख्याल से. ऐसा नहीं होता कि एक आदमी किसी फिल्म का हीरो बन सकता है, वेदर इट्स डायरेक्टर और द हीरो हिमसेल्फ. एक्चुअली इट्स अ पूरी टीम है हमारी. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट ये पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है इस बार, लगन से काम किया है, इसीलिए हमें शायद ये रिस्पॉन्स मिल रहा है. तो एक तो है कि मेरे ख्याल से इंडिया इज यू नो रियली स्ट्राइकिंग बैक, यू नो इट्स बाउंसिंग बैक. ये जो डिमोनेटाइजेशन का जो चल रहा है सब, इसमें से प्रॉब्लम अभी तक दूर नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक हमें बहुत अच्छी साइन दिखाई है. फोर्स टू की टीम को तो डेफिनेटली ये साइन दिखाई है कि वो आना चाहते हैं, एंटरटेन होना चाहते हैं. और हमारी फिल्म अगर उसका मेरे ख्याल से इससे बड़ा प्रूफ नहीं हो सकता कि एक अच्छी फिल्म हमने लोगों को दी है, क्योंकि वो आके बड़ी तादाद में देख रहे हैं. तो बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ. हमारी टीम की ओर से मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा. देखिए, सबसे पहले हम यहाँ आप सबसे मिलना इसलिए चाहते थे क्योंकि हम सुबह से ऑब्वियसली हम सब मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग कर रहे थे और सुबह डीमोनेटाइजेशन का असर बहुत ज़्यादा था. लेकिन वर्ड ऑफ माउथ जैसे जैसे आता गया, जैसे जैसे लोग इंटरनेट पे लिखते गए, इंटरनेट पे, न्यूज़ चैनल्स पे, आप लोगों के यहाँ पे लोगों ने आके जब कमेंट करना शुरू किया कि ये बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत मज़ा आया. अब हमें कमेंट्स मिल रहे हैं कि बेस्ट एस्पियोनाज फिल्म ऑफ द इंडियन सिनेमा. दुबई से बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस के जो नंबर्स आ रहे हैं. तो उसके बाद दोपहर से जो नंबर में बढ़ोतरी हुई और जो अभी शाम के शोज़ हैं उसके लिए जो इनिशियल इंडिकेशन अभी मिल रहा है कि ये नंबर्स और भी ऊपर जाएंगे. तो ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई थी. हमें बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप ये पिक्चर मत रिलीज़ करो, आप 18 तारीख को बिल्कुल क्रश हो जाओगे डीमोनेटाइजेशन के चक्कर में और ये मसला और भी चलेगा. लेकिन हमने एक डिसीशन लिया था, हमने एक अपील की थी कि जो लोग 10 दिनों से बहुत परेशान हैं और अगर वो एंटरटेन होना चाहते हैं तो हम आएंगे. तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से दिन के दौरान कलेक्शन बढ़े हैं, आप सबने चेक किया होगा अलग अलग वेबसाइट्स पे, अब तो हर नंबर पब्लिश होते हैं. सुबह 15-20% से फिल्म के कलेक्शन शुरू हुए थे और अब 35-40% पे कलेक्शंस आ गए हैं. तो आप अभी के दौर में जितना कैश क्रंच लोग फील कर रहे हैं उसके बावजूद ये नंबर आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है.
हम सिर्फ यही बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि इंडिया है स्ट्राइक, इंडिया ने एक स्ट्राइक की है, हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि ये नंबर्स आ रहे हैं। और ऑनेस्टली हम लोग जब कल रात को जब अलग हो रहे थे और सब ऑप्टिमिस्टिक एक अच्छे मूड में, तभी भी ये नंबर हमने नहीं सोचे थे कि आज के जो दिन के नंबर आएंगे ये यहाँ तक भी पहुँचेंगे, ये हम सब उम्मीद नहीं कर रहे थे, बावजूद इसके कि फिल्म पे हमारी बहुत फेथ थी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऑडियंस ने हमारी एक्सपेक्टेशन से आगे जाके इस फिल्म को अप्रिशिएट किया है, और वो हमारे लिए, एटलीस्ट मेरे लिए, जितना भी मेरा करियर रहा है, मेरे लिए एक वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। John, John and Sonakshi are going to say, what was the best reaction you got from friends in the industry after watching the movie? I got from Sonakshi's dad. Yeah. Same, yeah. And honestly, Papa ne bhi film dekhi thi, Delhi mein screening hui thi, jahan par a lot of police commissioners and everyone watched it with them and they all loved it. In fact, आज तक मेरे डैड ने मेरे कोई भी co-star को कॉल करके 20 मिनट बात नहीं किया, फिल्म को डाइसेक्ट नहीं किया, उन्होंने तो अनाउंस कर दिया मेड फॉर ईच अदर जोड़ी है, तो वो बहुत खुश थे एंड ही लव द फिल्म, ही सेड ही वाज वेरी प्राउड ऑफ मी, अदर तो मेरा तो काम हो गया। जॉन आप कुछ बताना चाहेंगे 20 मिनट के लिए? आई थिंक उन्होंने अभिनय को भी फोन किया, आपसे भी बात हुई थी? नहीं, अभिनय से बात हुई थी और इमीडिएटली आफ्टर वाचिंग द फिल्म पता नहीं इनका नंबर कहां से ढूंढ के, बिकॉज़ आई वाज बिजी इन प्रमोशन, कहीं से उनका नंबर ढूंढ के रिकॉल अभिनय। मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि बेटी से पहले उन्होंने डायरेक्टर को फोन किया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आप लोगों ने क्या सुना? आप लोगों ने अगर अच्छी चीजें सुनी है तो ये मैसेज लोगों तक ले जाइए। सोनाक्षी के एक्शन को कंपेयर किया जा रहा है, आगे जाकर मैं एक्शन मूवीज नहीं कर रही हूँ, बट जब मैं कल खुद फिल्म देख रही थी तब मुझे, मैं सोच रही थी कि मैं मिस कर रही हूँ एक्शन करना, और कभी मेरी नेक्स्ट एक्शन फिल्म आएगी तो सीधे बाहर आके मैंने अभिनय को बोला मिसिंग दिस डूइंग दिस एक्शन ऑन स्क्रीन, क्योंकि देख कर इतना अच्छा लगता है, यू फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ एंड जिस तरह का एक्शन इस फिल्म में है ट्रूली इंटरनेशनल लेवल, और यू नो आई रियली एंजॉय। तो अभी फिलहाल आगे जाकर कोई एक्शन फिल्म है नहीं पाइपलाइन में, बट मैं लेकिन मुझे एक रिएक्शन मिला फ्रॉम द स्क्रीनिंग, ऐसे जो मुझे ज़्यादातर रिएक्शन मिल रहा है कि फोर्स टू हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इट्स मतलब एक सीक्वल होगा, एक एक्सपेक्टेशन होगा एक्शन का, लेकिन सब लोगों ने कहा कि वी डिड नॉट एक्सपेक्टेड टू बी सो गुड, लेकिन क्योंकि उन लोगों ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया फिल्म से, एंड आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक फॉर अस, क्योंकि दे वर एक्सपेक्टिंग, अच्छा सीक्वल्स हमेशा सीक्वल्स ही होते हैं, हम लोग कैश इन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ने सीक्वल को एक दूसरे लेवल तक पहुंचा दिया, आई थिंक दैट्स वेरी एनकरेजिंग। एक्चुअली आप लोगों को जाके फिल्म सिनेमा में देखनी चाहिए, मैंने जाके सिंगल स्क्रीन में देखी है, जब जॉन गाड़ी उठाते हैं तो बिलीव मी 20 सेकंड तक कुछ सुनाई नहीं देता, लोग इतनी सीटियाँ तालियाँ मार रहे हैं, इट्स इनक्रेडिबल कि लोग इतना इन्वॉल्वमेंट के साथ फिल्म को देख रहे हैं। और इनफैक्ट मुझे किसी ने बताया कि खारगर के एक सिनेमा हॉल में स्टैंडिंग ओवेशन मिली एट द एंड ऑफ द फिल्म जब रंगलाल गाना चल रहा था, बिकॉज पीपल वहाँ बहुत सारा कॉलेज का क्राउड था, मैं इसलिए नाम के साथ बोल रहा हूँ कि खारगर के एक सिनेमा हॉल में स्टैंडिंग ओवेशन मिली पिक्चर को। तो ये जो रिएक्शन है ये एक रेगुलर फिल्म से बहुत अच्छा और बहुत बड़ा रिएक्शन। और लखनऊ में मेरा एक डायलॉग है फिल्म में जहाँ पे मैं बोलता हूँ कि सब कुछ बदल गया है, देश बदल गया है, अब हम घर में घुस के मारते हैं, तो पब्लिक चिल्ला रही थी मोदी मोदी। आई थिंक देयर इज अ सेंटिमेंट, और हमारे लिए अच्छी बात है कि एक्चुअली दिस कॉन्फ्रेंस में हम लोग सब अपने ऑडियंसेस को थैंक करना चाहते हैं, सबसे जरूरी बात यह है कि आपके थ्रू वी लाइक टू थैंक द ऑडियंसेस, आपको भी थैंक करना चाहते हैं जिस तरीके से आपने इस फिल्म को सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच, वी अप्रिशिएट दैट। यस, थैंक यू।
जॉन, अब अक्षय को काफी अच्छे से अभी कोई बात हुई, उन्होंने भी रिप्लाई कुछ रिस्पांस दिया उनके बारे में ऐसे। अक्षय ने कॉल किया, आई मिस्ड हिज कॉल, मैं भी उनसे बात करने वाला हूँ, लेकिन सोनाक्षी ही बात हुई अक्षय से। जी हम लोग, मैं और जॉन दोनों ने स्क्रीनिंग के लिए इनवाइट करने के लिए कॉल कर रहे थे, बट वी कैप मिसिंग ईच अदर्स कॉल, बट आई स्पोक टू हिम, उन्होंने कहा कि द एक्शन इज लुकिंग रियली गुड एंड आई वांट टू वॉच द फिल्म, तो आई होप कि जल्दी वो देख लेंगे। ये आप डायरेक्टर को पूछ से पूछोगे, बट ऑनेस्टली मतलब अगर सोनाक्षी का और बड़ा रोल होता तो आई वुड हैव हैड टू रिक्वेस्ट जॉन की जॉन सर साइड में थोड़ा थोड़ा सा नहीं, बट ऑनेस्टली मैंने ये फिल्म की भी थी क्योंकि मुझे मेरा रोल बहुत ही एट पार विद जॉन रोल लगा, एंड हमने पहले ऐसी फिल्म में देखा नहीं कि एक गाय और गर्ल साथ में काम कर रहे हैं ऑलमोस्ट शोल्डर टू शोल्डर, तो मैंने एक बहुत अच्छा रोल था ना, इट रियली रियली पुल्ड मी टुवर्ड्स इट, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव डन, आई एम वेरी हैप्पी टू हैव वर्क विद दिस एंटायर टीम एंड मैं खुश। और अगर लोगों को लग रहा है कि और होना चाहिए तो ये अच्छी बात है, अच्छी बात। मुझे काफ़ी लोगों ने कल भी कहा, आज भी कह रहे थे कि यार सेकेंड हाफ आपका बड़ा छोटा है, 55 मिनट में ख़त्म हो जाता है, फिल्म 2 ही घंटे में ख़त्म हो जाती है, अरे थोड़ी और होनी चाहिए थी और मज़ा आता। आई थिंक ये हम सबके लिए एक अचीवमेंट है कि हमारी फिल्म, अक्सर लोग बोलते हैं यार थोड़ी काट दो यार 15-20 मिनट प्लीज़ काट दो, फिल्म बहुत लंबी है, हमें उल्टा रिएक्शन मिल रहा है कि यार फिल्म थोड़ी छोटी और लंबी होती तो और मज़ा आता। तो ओवरऑल हर तरह का जो रिएक्शन आ रहा है वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और इसलिए हम पूरी टीम बहुत बहुत थैंकफुल है ऑडियंसिस को कि इतने स्ट्रेस में भी आप जाके पिक्चर देख रहे हैं और आपको फिल्म मज़ा आ रहा है, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप रिएक्ट कर रहे हैं फिल्म को, हर सोशल प्लेटफॉर्म पे अपनी एक्सप्रेस कर रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू, सो वी आर वेरी वेरी। और अभी नए पार्क्स एंड नोट्स भी सर्कुलेट हो रहे हैं, सो आई थिंक फ्रॉम यस्टरडे, तो मेरे हिसाब से अभी अगले हफ्ते में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, सो इट शुड ऑल बी सेटल्ड। उन्होंने कहा कि उनका बना रहे मेरा रहेगा क्योंकि वो स्मोक करते हैं और ड्रिंक करते हैं, उनका नहीं बना रहेगा, तो उन्होंने ऐसा कहा था, तो व्हाट योर टेक ऑन दैट, आप तो स्मोक सिगरेट कुछ नहीं करते जी, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैं तो मतलब आप फिजिकलिटी मतलब हेल्थ की बात कर रहे हो किस चीज की बात? मतलब वो बोल रहे हैं कि वो स्मोक करते हैं ड्रिंक, तो आगे चल के वो एक्टिंग नहीं कर पाएंगे शायद, और वो आगे चल के उनका स्टारडम बना नहीं रहेगा। नहीं नहीं वो कहां पहुंच गए उन्होंने ऐसा कहा है कॉम्पिटिटर कर रहे हैं। नहीं वो मैंने एपिसोड नहीं देखी है, सो आई रियली कांट कमेंट ऑन दैट, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। आप हमेशा ही थिएटर में जाके प्रमोशन करते थे क्या रहे थे? प्रमोशन नहीं, आई वेंट टू गेटी गैलेक्सी बिकॉज माई मॉम वेंट फॉर द 6:30 शो, मम्मी और डैडी गेटी गैलेक्सी में जाते हैं, प्राइवेट स्क्रीनिंग में नहीं आते, सो मैं उनको छोड़ने गया था वहाँ पे, और मेरा दोस्त जो है सुकू वो ऑटो रिक्शा चलाता है, तो हर टाइम जब भी मैं जाता हूँ उसके ऑटो में मैं जाता हूँ, बिशु के टाइम पे भी मैं गया था, इस टाइम भी मैं वहाँ पे गया। थैंक यू।